झारखंड में जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन फिर से शुरू हो गया है। छठी जेपीएससी मेंस रिजल्ट जारी होने के बाद यहां के छात्रों ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने इस पर रणनीति तय करने के लिए सोमवार को रांची में बैठक की, उसके बाद शाम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी जलाया। छात्रों का कहना है कि छठी जेपीएससी में भारी गड़बड़ी हुई है। इसका विरोध पिछले रघुवर शासन में भी किया गया था और आंदोलन किया गया था। छात्रों ने बताया कि कई मौकों पर प्रतिपक्ष का नेता के रूप में हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया था और अब सत्ता में आते ही वह सब भूल गए हैं। तो छठी जेपीएससी का परिणाम मुख्य परीक्षा का घोषित की जाती है और ये हेमंत सरकार विपक्ष में रहते हुए वादा किए थे कि जितनी भी विसंगतियाँ जितनी गड़बड़ियाँ हैं रघुवर सरकार की है वो सारा वो हम सुधार करेंगे हमारी सत्ता आते हुए, और वो विरोध भी किए थे और विपक्ष में रहते हुए और हम लोग समझ भी ये वादा किए कि सारी गड़बड़ियाँ हैं जितनी भी विसंगतियाँ हैं वो हम दूर करेंगे। लेकिन ये रिजल्ट परसों जो दिया कहीं कहीं रघुवर सरकार पे ही कदम पे चल रहे हैं, उन्हीं की जो गलत गड़बड़ियाँ हैं उसी को गति दे रहे हैं और ये साफ स्पष्ट हो गया कि हेमंत सरकार छात्रों के बीच वादा खिलाफी किए हैं, दगाबाजी किए हैं, धोखेबाजी दिए हैं और इनका पतन तय है, क्योंकि छात्र वही युवा वर्ग है जो रघुवर सरकार को सत्ता से बेदखल किए और आने वाला समय हेमंत जी भी अपना अस्तित्व खो। हेमंत सरकार ने ये वादा किया था हम सब छात्रों से जब विपक्ष में थे और हम इसी मुद्दे पर हम सारे युवा उनके साथ एकजुट होकर आगे आए। हमने 6 जेपीएससी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर उन्हें दिया। उन्होंने ये हमसे वादा किया था कि जब मैं सरकार में आऊँगा मैं इस पूरी प्रक्रिया को ही सही तरीके से निष्पादित करूँगा, या तो मैं छठी जेपीएससी को रद्द करके इसे पूरी तरह से नया कंबाइन एग्ज़ाम लूँगा। और मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिली थी, पिछले साल ही मेंस का एग्ज़ाम हुआ एक दिन पहले, उन्होंने वादा किया था। लेकिन आज हेमंत सरकार कहीं ना कहीं से हम छात्रों के विरोधी होकर खड़ी है, तो क्या हम समझे इसे? क्या ये सिर्फ एक लोक लुभावन वादा था चुनाव जीतने के लिए, शासन में आने के लिए? हेमंत सर आप ये मत भूलिए, रघुवर दास 3 साल में अलोकप्रिय हुए हैं और आपको 3 महीने का भी समय नहीं लगा है। युवा वर्ग आपसे विद्रोह करने पर उतारू हो रहा है। जेपीएससी में शुरू से ही गड़बड़ी हो रहा है। छठी जेपीएससी में इसको रद्द करके संशोधन करके इसको रिजल्ट दोबारा निकाला जाए, वरना हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो आमरण अनशन भी करेंगे और सरकार को बता देंगे कि उन्होंने वादा खिलाफी किया है, उसको अंजाम उनका बुरा होगा। बहरहाल विवादों के बाद भी छठी जेपीएससी का परीक्षाफल जारी हो चुका है और अब जेपीएससी अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में सड़क पर उतर गए हैं।